पठानकोट तो सामने आई है जिथे कि वधदी महंगाई नूं लै के कांग्रेस का प्रदर्शन देखने मिलया है जिथे महंगाई नूं लै के सांसद जो सन्नी देओल ने उन्होंने घर का घिराव किया गया। दस दिए कि पेट्रोल डीजल दियां वधियां कीमतां दे खिलाफ अज कांग्रेस का हल्ला बोल सीगा ते केंद्र खिलाफ जो यह आवाज सीगी वह पहुंचाई गई है। इस दौरान कांग्रेसी विधायक अमित विज वालों प्रदर्शन में शामिल होकर प्रदर्शन की अगवाई की गई है। ये तुसी पोस्टर देख सकते हो जिस विच सन्नी देओल दी पोस्टर लगे हुए ने ते उन्हां दे घर का घिराव करने की कोशिश की गई है जो उन्हां दा घर है। सांसद ने गुरदासपुर तो सन्नी देओल ते कितें ना कितें उन्हां नूं लभण की भी कोशिश की गई है क्योंकि इस तो पहला जेकर गल की जाए तो सन्नी देओल के लापता के पोस्टर भी लग चुके ने। गैस पेट्रोल ते डीजल दीआं कीमतां नूं लैके कांग्रेस अज प्रदर्शन कर रही सीगी ते प्रदर्शन जो है वह हुण सन्नी देओल के घर तक पहुँच चुके है। सन्नी देओल सांसद गुरदासपुर तो उन्होंने घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। ये तस्वीर तुम देख सकते हो कांग्रेसी विधायक सने होर भी लोग होर भी वर्कर ते आगू मौजूद सी। जी पेट्रोल जेकर गल की जाए तो 100 रुपए तो पार हो चुका है। पंजाब दे विच तां लोग बेहाल होए पए ने। हालांकि जेकर किसानां दी गल की जाए तो किसानां नूं भी डीजल नूं लैके काफ़ी निराश होए पए ने क्योंकि ट्रैक्टर जेकर चलता है तो डीजल ते तां उसनूं लैके भी जो किसान ने वह भी परेशान ने ते ट्रक ऑपरेटर जो ने वह भी परेशान दिखाई दे रहे ने पेट्रोल दीआं वधियां कीमतां दे खिलाफ। आम लव वर्ग वह भी परेशान दिखाई दे रहा है क्योंकि पेट्रोल ते डीजल ते गैस दीआं कीमतां च लगातार वाधा हुंदा जा रहा है तो 100 रुपए तो पार जो है वह पहुँच चुका है। महंगाई ते चुप क्यों ने सन्नी देओल पोस्टर हत्थां च फड़े हुए ने तुसी देख सकते हो तस्वीरां दे विच। होर भी मुद्दियां नूं लैके पोस्टर बने ने पठानकोट च वधदी महंगाई नूं लैके यह पोस्टर फड़े गए ने। सन्नी देओल दे घर दे बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है तस्वीरां तुसी देख सकते हो। पेट्रोल डीजल दीआं कीमतां दे खिलाफ अज सूबे ते कई जगहां दे उत्ते अज कांग्रेस वालों हल्ला बोलिया गया है। केंद्र के खिलाफ जेकर गल की जाए सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दी तां उन्हां दी अगवाई दे विच वी प्रदर्शन होया है मोहाली दे विच। इस ते वधेरे जानकारी लई साडे पठानकोट तों पत्रकार अजय महाजन साडे नाल जुड़ चुके ने। जी अजय जेकर गल की जाए प्रदर्शन तां हो रहे ने सन्नी देओल दे खिलाफ किए जा रहे ने क्योंकि जिमें कि असी पोस्टर देख रहे हैं उत्ते लिखा है कि महंगाई ते चुप क्यों ने सन्नी देओल किवें देखते हो क्योंकि जेकर अज की गल करिए प्रदर्शन होंदे होंदे हुण जो प्रदर्शन है वह सन्नी देओल दे घर के बाहर तक पहुँच चुकया है। कौन कौन विधायक सीगे ते किहड़े किहड़े आगू सीगे जिन्हां वल्लों ये प्रदर्शन किया गया? जी बिल्कुल परम दसना चाहांगा कि ये प्रदर्शन जिहड़ा हैगा इस विधायक अमित विज जिहड़े हैगे ने वह मौजूद सके और बाकी संजीव जैन जो जिला प्रधान ने कांग्रेस के वह मौजूद सके और मार्केट कमेटी के चेयरमैन भानु प्रताप वो इस प्रदर्शन मौजूद सके। सन्नी देओल की कोठी का कांग्रेसियों ने मिलकर घिराव किया हैगा और पठानकोट जिले के सारे कांग्रेसी लीडर और वर्कर जो है इस धरने के मौजूद सके। इस प्रदर्शन सन्नी देओल की कोठी का घिराव करते हुए हाथों से वे वे बैंक रसोई गैस दीमत जो लिखी पेट्रोल डीजल दीमत लिखी हुई और सन्नी देओल बारे बोलते हुए एमएलए अमित विज ने कहा कि सन्नी देओल इतों लड़ा सांसद बना भाजपा की सब तो वड्डी गलती हैगी और भाजपा ने गद्दारी की है पठानकोट और गुरदासपुर की जनता के नाल कि सन्नी देओल वर्गा सांसद जोड़ा है उन्होंने दिता है और उन्होंने मुश्किल प्रधानमंत्री को ले जा नहीं सकते सन्नी देओल क्योंकि वो हल्के आते ही नहीं है लोगों दिया समस्यावान सुनते ही नहीं है लोग जोड़े है कि आवाज चुकन। इस करके अज विधायक अमित विज बाकी सारा लामो लश्कर लैके सांसद सन्नी देओल की कोठी का घिराव करने पहुंचे थे। अमित विज उन्हों का कहना है कि हर वर्ग नूं परेशान किया सेंटर की भाजपा सरकार ने
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਡਿਜਿਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਹੁਣ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, GDP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਅ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਮਿਤ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਜੋਲ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ, ਸਰਜੋਲ ਗਦਾਰ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਪਰਮ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸੀ। ਬੜੇ ਹੀ ਚਾਵਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਰੁੱਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।